वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे फेनी। राजस्थान की सांभर की फेनी बहुत प्रसिद्ध है। आज हम इसे एक इजी ट्रिक से बनाएंगे जिससे मेहनत भी कम लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे 2 कप मैदा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बिल्कुल टाइट डो तैयार कर लूंगी। अब मैं डो को इकट्ठा करके इसे 30 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। ऐसा करने से जब हम बाद में फेनी तैयार करेंगे तो वो टूटेगी नहीं। डो को 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बार फिर से 5 मिनट अच्छे से गूंथूंगी। आपको इस तरह से लगातार करना है ताकि हमारा डो अच्छा तैयार हो और हमारी फेनी भी ना टूटे। देखिए डो सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसका इस तरह से रोल बना लूंगी। ये मैंने यहाँ पे नमकीन बनाने वाली मशीन ली है। मैंने इसके अंदर अच्छे से घी लगा लिया है। आपको जाली ये मोटे छेद वाली लेनी है। अब मैं इस रोल को इस नमकीन बनाने वाली मशीन में डालूंगी और इसे अच्छे से पैक कर लूंगी। ये मैंने एक थाली के घी लगा रखा है। अब मैं मशीन को इस तरह से प्रेस करते हुए डो को निकाल लूंगी। हमें इसके ऐसे बीच बीच में घी लगा लेना है ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। आपको ये बिल्कुल ध्यान से करना है, ये बीच में से बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। आप इसके बीच बीच में घी लगाते रहे, नहीं तो ये चिपक कर टूट जाएगी। डो पूरा कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं इसे एंड में इस तरह से कट कर लूंगी। अब हमें इन्हें इस तरह से हाथ में लेना है और हल्के हाथों से खींचना है। देखिए हमें इन्हें बिल्कुल हल्का हल्का ही खींचना है, नहीं तो ये टूट सकती है। हमें इसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है। बीच बीच में आप घी जरूर लगाते रहें। देखिए ये इतनी लंबी हो चुकी है। अब मैं इसको ये घी लगाकर इसको डबल कर लूंगी। अब मैं इसे फिर से उसी तरह से हल्के हल्के हाथों से खींचूंगी। हमें ऐसा बार बार करना है जब तक इसके रेशे बिल्कुल पतले ना हो जाए। देखिए इसके रेशे कितने पतले हो चुके हैं, लेकिन इसे हमें अभी और पतला करना है। यहाँ इसके रेशे बिल्कुल पतले हो चुके हैं तो हमें इसे यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से खींचना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। देखिए इसके रेशे बिल्कुल पतले हो चुके हैं और कितने अच्छे बने हैं। अब हमें इसे और नहीं खींचना है। मैं इसे एक बार डबल कर लूंगी। अब हमें फेनी की शेप देते हुए इसे इस तरह से तोड़ लेना है।
इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। देखिए ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल लिया है और ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें हमारी फेनी को डालकर फ्राई करूंगी। इसे किसी स्टिक से इस तरह से फैला लें। देखिए ये कढ़ाई में जाते ही कितने अच्छे से खुल गई है और इसके रेशे भी कितने अच्छे बने हैं। हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए ये फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूंगी। देखिए हमारी फेनी कितनी अच्छी बनी है और इसके रेशे भी बिल्कुल पतले पतले बने हैं। इसी तरह हम सारी फेनी फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी फेनी कितनी अच्छी बन रही है। अब हम फेनी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी लिया है। मैं इसे चीनी घुलने तक पकाऊंगी। देखिए चीनी इसमें अच्छे से घुल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लेंगे। फेनी के लिए चाशनी हमें थोड़ी गाढ़ी तैयार करनी होती है। देखिए चाशनी थोड़ी गाढ़ी लग रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने चाशनी को थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब हम फेनी को चाशनी में अच्छे से डिप करेंगे। फेनी को गर्म चाशनी में डालने से ये गल सकती है, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा करके डालें। आप इसे आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे तो चाशनी में आप डिप करके खा सकते हैं। देखिए हमारी फेनी कितनी अच्छी बनी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।